नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल दीप पटेल 01 पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अफिलिएट मार्केटिंग की एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि बहुत ज्यादा यूनिक है और जिसे बहुत ज्यादा लोग प्रमोट नहीं करते, जिसकी वजह से इसमें कंपटीशन कम है। और तो और जो हमारी सेल्स फनल वाली सीरीज चल रही है उसका एक वीडियो कल आने वाला है, तो उस वीडियो को अगर देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन को जरूर से दबा देना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो यूनिक प्रोडक्ट बताता हूँ और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस प्रोडक्ट को आप कैसे प्रमोट कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आपको उस नीश में काम करना पड़ेगा, लेकिन ये एक थोड़ा सा डिफरेंट नीश है जिसमें कंपटीशन कम है और आप इस नीश से काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो पूरा अगर जानना चाहते हो कौन सा वो प्रोडक्ट है, क्लिकबैंक के ऊपर अवेलेबल है और तो और उस नीश में बहुत कम कॉम्पिटिशन है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो ताकि आपको सारी चीजें डिटेल में ए टू जेड पता चल जाए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड into the video। और हम थोड़े हो जाते हैं छोटे ताकि हम आपको डिस्टर्ब ना करें स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया और अब चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ वो क्लिकबैंक पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो यार क्लिकबैंक पे अगर आप जाओगे तो आपको ये कैटेगरी मिलेगी जिसका नाम है आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में एक प्रोडक्ट है जो कि काफी कमाल का है और बहुत ज्यादा सेल होता है, उसका नाम है पियानो फॉर ऑल, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी ग्रेविटी 76 है, यानी कि ये प्रोडक्ट काफी अच्छे से सेल होता है, ठीक है। तो अब आप अगर इसे प्रमोट करना चाहते हो तो मैं आपको तरीके बताता हूँ जिससे आप इसे प्रमोट कर सकते हो। मैं आप लोगों के साथ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं म्यूजिक नीश में अभी काम नहीं करता, लेकिन मैं फ्यूचर में इस पे काम करने वाला हूँ, क्योंकि यार ये एक ऐसा नीश है जिसमें बहुत कम कंपटीशन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है जिसे आप प्रमोट कर सकते हो। अब इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ और तो और क्या क्या आपको टूल्स मिलते हैं जिसकी वजह से आप इस प्रोडक्ट को बहुत जल्दी प्रमोट कर पाओगे, बहुत अच्छे से प्रमोट कर पाओगे, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम अगर चलते हैं तो फॉर एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट के हम सेल्स पेज पे चलते हैं तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम इसके जेवी पेज पे आ गए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सारे के सारे टूल्स प्रोवाइड करता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको ये जो दो यूट्यूब वीडियोस हैं, ये दो यूट्यूब वीडियोस मिल जाते हैं। तो इन दो यूट्यूब वीडियोस को आप क्या कर सकते हो, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो और अपना एक खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हो, उसके ऊपर इन दो वीडियोस को आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक पहली चीज हो गई जिसका आप यूज करोगे और जिससे आप पैसे कमाने की शुरुआत करोगे, एक यूट्यूब चैनल ओपन करोगे जिसमें ये जो वीडियोस इन्होंने प्रोवाइड किए हैं उन वीडियोस को आपको डाउनलोड करना है और अपलोड करना है। अगर डाउनलोड करना चाहते हो यूट्यूब वीडियोस को तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है ytmp3.cc, उस वेबसाइट पे जाओ और वहां पे आपको बस किसी भी यूट्यूब वीडियो का लिंक है उसे कॉपी करना है और पेस्ट करना है और आप उस YouTube वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सिंपल, बहुत इजी, तो इतना आपको करना है, ठीक है। और ये पियानो फॉर ऑल का ये जो YouTube चैनल है इसमें इस तरह का आपको कंटेंट मिलेगा, तो उस कंटेंट को आपको डाउनलोड करके थोड़ा सा एडिट करना है, थोड़ी सी उसमें एडिटिंग कर दो, थोड़ी सी साउंड की पिच या ऐसा कुछ चेंज कर दो ताकि क्या हो कि आपको कोई कॉपीराइट ना आए, ठीक है। तो ये हो गया, हम इस चैनल को एडसेंस के ऊपर नहीं छोड़ने वाले क्योंकि एडसेंस से इसके मोनेटाइज होने के चांस बहुत कम है, लेकिन इस तरह का चैनल काफी जल्दी ग्रो करता है क्योंकि ये एक म्यूजिक चैनल है। और तो और ये जो पियानो फॉर ऑल प्रोडक्ट है इसका लिंक आप उस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि और भी आपको यहाँ पे इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं। तो आप यहाँ पे अगर पियानो फॉर ऑल का यूट्यूब चैनल ओपन करोगे तो आप यहाँ पे अगर देखो तो आपको यहाँ पे ये जो तीन वीडियोस हैं ये तीन आपको मिल जाएंगे। तो इन तीन वीडियोस का आप अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका पहली चीज हो गई, ये जो तीन वीडियो हैं ये तीन वीडियो आप अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। अब आपने एक चैनल बनाया, उन पे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया, अब और बाकी के वीडियोस आपको कहाँ से मिलेंगे तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखो, ठीक है। तो यार ये आपने एक चैनल ओपन कर लिया, उस पर ये तीन वीडियोस अपलोड कर लिए, डिस्क्रिप्शन में अपना पियानो फॉर ऑल वाला अफिलिएट लिंक आपने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो हम यहाँ पे पिक्सबवे पे जाते हैं। पिक्सबवे पे जब मैंने पियानो सर्च किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे कई सारे यहाँ पे वीडियोस मिले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। और इन सारे वीडियोस को आप अपलोड कर सकते हो अपने YouTube चैनल पे बिना किसी कॉपीराइट के डर के, ठीक है।
और यहाँ पे कई सारे वीडियोस के अंदर म्यूजिक भी है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपको म्यूजिक अलग से करना है, ये जो वीडियोस हैं इनको ये आपको म्यूजिक के साथ मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला आप देख सकते हो, तो आप यहाँ पे देखो कि ये वीडियो है, इसमें म्यूजिक तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ऐसे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे पिक्सलबे पे मिल जाएंगे, आपको ऐसे कई सारे वीडियोस पिक्सल्स पे मिल जाएंगे। तो कुल मिला के आपका जो YouTube चैनल है उस पे अपलोड करने के लिए आपके पास लगभग 100 के ऊपर वीडियोस आपको बस इन कॉपीराइट फ्री वेबसाइट्स पर से ही मिल जाएंगे। और म्यूजिक वीडियोस की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, ये बहुत जल्दी वायरल होते हैं या इनके वायरल होने का चांस बहुत बहुत ज्यादा होता है। तो यही इसी चीज का आपको फायदा उठाना है, आपको इस तरह के वीडियोस वन बाय वन अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड करते जाना है, और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इस वाले प्रोडक्ट का लिंक देना है जो कि है पियानो फॉर ऑल, ठीक है। तो यार ये वाला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कन्वर्ट भी काफी अच्छा होगा, और तो और पियानो म्यूजिक में जो लोग इंटरेस्टेड हैं ऐसी ऑडियंस आपको बहुत जल्दी मिलेगी। तो ये आपके पास एक पूरी स्ट्रेटजी है जो कि आपको काफी अच्छे से काम आ सकती है, और तो फ्री स्ट्रेटजी है, लेकिन इसमें आपको काम करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको एक मिनिमम टारगेट रखना पड़ेगा कि आप अपने उस यूट्यूब चैनल में कम से कम 100 वीडियोस अपलोड करोगे, 100 वीडियोस अपलोड करने पड़ेंगे आपको, तब जाके आप यहाँ से थोड़ा बहुत रेवेन्यू आना और थोड़े बहुत अच्छे खासे क्लिक्स आना आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगे इस स्ट्रेटजी की मदद से। और ये एक ऐसा नीश है जिसमें कंपटीशन कम है, जिसकी वजह से आपको सेल्स मिलने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी है। और तो और आपको यहाँ पे आर्टिकल्स भी मिल जाते हैं, तो आप इन आर्टिकल्स को भी वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हो कंटेंट सैमुराई या ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करके, ठीक है। इन वीडियो करके एक है सॉफ्टवेयर जिसका भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन कंटेंट सैमुराई का 7 days का फ्री ट्रायल है, तो आप ये जो आर्टिकल्स हैं इनको भी आप वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। बैनर एड्स भी आप रन कर सकते हो चाहो तो, लेकिन मैं नहीं कहता कि बैनर एड्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपना एक ऐसा यूट्यूब चैनल बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हो जिसमें आपको ये सारे पियानो लेसन्स हैं जो कि आप इजीली अपलोड कर सकते हो, और इस तरह के पियानो रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पे पिक्साबे पे मिल जाएंगे, पिक्सल्स पे मिल जाएंगे, कॉपीराइट फ्री स्टॉक वीडियोस की कई सारी वेबसाइट्स हैं, उन सारी वेबसाइट्स पे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हो, और जिन सारे वीडियोस को आप अपलोड कर सकते हो अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है जो कि आपको अर्निंग करवा के दे सकती है 2020 के अंदर, यूनिक नीश के अंदर। तो डेफिनेटली इस स्ट्रेटजी को ट्राई करो यार, एक्सपेरिमेंट करो, तब जाके आप अर्निंग करोगे 2020 के अंदर। अगर आप अभी भी एक्सपेरिमेंट करने से डरते हो तो डेफिनेटली आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। और तो और हमारी जो सेल्स फनल वाली सीरीज है उसे ज़रूर से फॉलो करो, क्योंकि उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। सबसे पहला वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि क्या एक सेल्स फनल होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कितने 6 टाइप के सेल्स फनल होते हैं, उसमें जो फर्स्ट टाइप का सेल्स फनल है उस पर हम पूरी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उस सेल्स फनल के अंदर क्या होता है, कैसे वो काम करता है, क्या क्या उसमें आपको करना पड़ेगा, और कैसे आप उस सेल्स फनल को बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो इस चीज़ पे पूरा डिटेल डिस्कशन होने वाला है उस वीडियो में, तो उस वीडियो को मैं कल पोस्ट करने वाला हूँ। आज इस वीडियो से मैं आपको ये इंस्पायर करना चाहता हूँ कि आप यूनिक नीश ट्राई करो, डिफरेंट नीशेस ट्राई करो। क्लिक बैंक में सिर्फ 1-2 नीश ही नहीं है, और भी कई सारे नीश हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड फिट, ये जो आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट का नीश है इसमें बहुत कम कॉम्पिटिशन है, और इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से सेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो आप यहाँ पे देखो कि इतने सारे नीश हैं, फिर भी लोग 2-3 नीश हैं उन्हीं को पकड़ के बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो 2-3 नीश है और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्पैम हो जाते हैं ज़्यादातर वेबसाइट पे। और अगर वो प्रोडक्ट्स स्पैम हो जाते हैं तो क्या होता है कि उन प्रोडक्ट्स को ज़्यादातर वेबसाइट, अगर आप प्रमोट भी करोगे तो ज़्यादातर ऑडियंस को पता है उन प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसकी वजह से वो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना पसंद नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है, ये चीज़ आपको समझनी है। और तो और
एक बार आप इस तरह का एक YouTube चैनल ओपन कर लेंगे जिसमें आप पियानो के बारे में ये सारी चीज़ें बताते हो, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो पियानो के रिलेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के जो अफिलिएट लिंक्स हैं अमेजोन से आपको एक अफिलिएट लिंक बना अफिलिएट अकाउंट बना देना है, और अमेजोन का जो अफिलिएट लिंक है वो भी आप अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर सकते हो, जिसमें आप पियानो के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हो अमेजोन पे अवेलेबल उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक बाजू आप यहाँ पे जो भी इस प्रोडक्ट को खरीदता है पियानो फॉर ऑल इससे आप अर्निंग कर रहे हो, और दूसरी साइड आप अमेजोन से भी उसे मोनेटाइज कर रहे हो। तो अमेजोन पे से अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो आप वहां से भी अर्निंग करोगे, तो इस तरह से आपकी अर्निंग डबल हो जाएगी बस एक यूट्यूब चैनल के जरिए। और ये यूट्यूब चैनल अगर आपको मोनेटाइज ना भी हो तो भी आपके पास टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके पास दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और दो ऐसे इनकम स्ट्रीम्स हैं जो आपने इस यूट्यूब चैनल के जरिए जनरेट कर ली है, तो ये आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इस पे काम करना चाहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में आप इससे पैसे कमाने लग जाओगे, इट विल टेक सम टाइम, 2 से 3 महीने आपको लग के काम करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम चलते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा अपना सेल्स फनल सीरीज वाला वीडियो, तो उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लेना, सेकेंड पार्ट आने वाला है कल। हाँ तो दोस्तों, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग को एकदम डिटेल में सीखना चाहते हो, मेरा एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं मेक मनी ऑनलाइन और अफिलिएट मार्केटिंग दोनों के रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। लेकिन अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग को एकदम डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप ओके अंकित ये जो यूट्यूब चैनल है इन्हें डेफिनेटली जाके इनके कॉन्टेंट को चेकआउट करो, काफ़ी ज़्यादा कमाल का कॉन्टेंट है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है मेरी भी, और इससे मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखता हूँ, तो डेफिनेटली इनका चैनल आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप सेल्स फनल के बारे में सीखना चाहते हो सारी चीज़ें और अलग अलग चीज़ें जो कि सेल्स फनल के रिलेटेड है, क्लिक फनल्स के रिलेटेड है, सेल्स फनल कैसे बनाते हैं, तो उन सारी चीज़ों की जो डिटेल्स में वीडियो बनाते हैं वो है देसी मार्केटर। डेफिनेटली इनके चैनल को भी ज़रूर चेकआउट करो, क्योंकि ये दो ऐसे चैनल्स हैं जिनसे मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ और इनसे काफ़ी कुछ इंस्पायरेशन मिलती है मुझे, तो डेफिनेटली डू चेकआउट।